उलमाए किराम के इंटरव्यू, शोराए किराम से गुफ्तगु आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल लेमरा न्यूज पर। आज ही सब्सक्राइब करें लेमरा न्यूज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज अदब के शहर लखनऊ से जो कि एक मिसाली तौर पर यहाँ पर महिलाएं उपस्थित हैं और हम जो देख रहे हैं यही जज्बा हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाता है कि एक खूबसूरत गुलदस्ते में विभिन्न प्रकार के फूल और उस फूलों को प्रोत्साहन करते हुए तमाम तरह की महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, जिसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये आंदोलन सिर्फ एक मजहब मिल्लत का है। और हमारे साथ एक ऐसे ही बहन मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से और यहाँ से दूसरे शाहीन बाग लखनऊ से ये प्रसारण आप तक पहुँचाने की मैं अथर काजमी सादत भी हासिल कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? सुधा जायसवाल। जायसवाल मैडम, आप कहाँ पे रहती हैं? मैं जिया मऊ में रहती हूँ। जिया मऊ से यहाँ तक आई हैं? बिल्कुल जी। क्या आप इन सब लोगों की आवाज में आवाज क्यों कर मिला रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये महिला बहनें हमारी हैं, रात दिन ठंड में यहाँ रह रही हैं, तो इसलिए हमारी हम भी इनके आवाज में आवाज मिलाने अपनी महिला बहनों के साथ में आए हैं, क्योंकि ये महिला है, महिला की कोई बिरादरी नहीं होती, महिला महिला कहलाई जाती है। इसलिए जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे। और अमित शाह आए हैं वहाँ, उनको वापस जाना चाहिए और नहीं तो NRC वापस ले। यकीनन अब आप जैसे यहाँ पर आई हैं तो इन लोगों को और हौसला मिला होगा। क्या चाहती हैं कि ये जो हिंदुस्तान का जो एक नया कानून आया है, इस कानून के बारे में भी अगर आप बता देती तो शायद वो स्थिति ना रहे कि जो सरकार कह रही है कि भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, विपक्ष जो है लोगों को बरगला रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहें? मैं ये कहूंगी कि क्या बिहार में बरगलाया गया? वही चीज बिहार में हो गई है। एक एक मुसलमान को ये अलग करेंगे और मुसलमानों को ये उत्पीड़न करने का काम करेंगे और हम लोग ये होने नहीं देंगे। हिंदू मुसलमान महिलाएं सब एक है, कोई महिला यहाँ से नहीं जाएगी, दिन रात यहीं पर रहेगी जब तक NRC वापस नहीं होगा। आइए हम बात करते हैं, हमारे पीछे भी एक बहन है, क्या नाम है आप? सुलेखा। सुलेखा जी, आप यहाँ कहाँ से आई हैं? हम सदर कैंट से आए। सदर से आई हुई हैं। तो अभी आप क्या समझती हैं कि भविष्य में ये हमारा जो भारत है इसको कैसे गुलदस्ता बना रहना चाहिए और ये तमाम जो विभिन्न प्रकार के फूल हैं जिसमें गेंदा, चमेली और तमाम तरह के, तो इस फूलों के गुलदस्ते की खुशबू भी एक होना चाहिए, तो आपका यहाँ से क्या पैगाम होगा मेरे चैनल के? तो हमारा संविधान एक था, एक है, एक रहेगा। हम हिंदू मुस्लिम कभी अलग अलग नहीं बांटना चाहते, हम चाहते हैं वो NRC वापस लें। हमारा देश संविधान के लिए है, संविधान एक रहेगा। प्रदेश में यहाँ पर आएंगे जितनी उत्तर प्रदेश की महिलाएं एक साथ हैं, हम सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। सरकार को क्या, क्या किस तरह से सरकार से आप अपील करेंगे कि इस पर विचार किया जाए और कैसे ये तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद है जितनी भी महिलाएं उनके कि वो NRC वापस लें? NRC तो अभी लागू नहीं हुआ ना, बात CA की है। फैलाई क्यों गई? अगर ये फैलाया जा रहा है, अगर ये आवाज उठाई क्यों जा रही है पब्लिक को बहकाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश हिंदुस्तान है हमेशा रहेगा। कैसा भारत आप कैसा भारत देखना चाहती हैं? आजाद, हमेशा भारत आजाद था, आजाद है, आजाद एक साथ देखना चाहते हैं कि हम सब एक साथ मिलकर जुट रहना चाहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ से जितना भी दूर तक हमारे कैमरे का लेंस अपने आप को कवर कर रहा है, इस घंटा घर से यानी यहाँ से जो शाहीन बाग दूसरा शाहीन बाग और इस अदब के गहवारे से, इसको अदब का गहवारा लखनऊ कहते हैं, यहाँ से जो हजारों की तादाद में महिलाएं उपस्थित हैं, इनका हौसला और जज्बा इस बात की गवाही दे रहा है कि जो यहाँ पर कानून आया है सरकार को सोचना पड़ेगा, सरकार को उसके बारे में समझना पड़ेगा और यहाँ से तमाम महिलाएं जो अलग अलग संप्रदाय से हैं, तो आपने इस तरीके से देखा कि ये तमाम तरह चीजें जो लिमना न्यूज के जरिए आप तक पहुंचाई जा रही थी, हम कोशिश करेंगे उन लोगों से भी बात करने की जो यहाँ पर आए हुए और दूर दराज से आए हुए हैं। जहाँ पर देखें एक खातून है जिनके हाथ में एक बहुत कमसिन सा बच्चा है और वो सर्दी के मौसम में यहाँ पर लेकर आई है,
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर औरतों के अंदर, इन महिलाओं के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ है और इस कानून के खिलाफ जो औरतें अपने पर्दे और हिजाब को सोचती थी कि मैं कैसे बाहर निकलूं, आज उनको इस कानून ने इस बात की सलाह दी है कि वो बाहर निकलें और इस कानून के खिलाफ खड़ी हो जाएं। तो हम बात करेंगे आपसे, आप कहाँ से आई हैं बहन? गोमती नगर, लखनऊ से ही हूँ। गोमती नगर से आई हुई हैं। तो आप तो इतना कम, छोटा सा बच्चा है आपको और मौसम भी शायद साथ नहीं दे रहा है, तो कौन सा जज्बा है जो आपको यहाँ लेकर आया? हम इन लोगों के साथ है, एनआरसी जो आई है सीए, बस हम दिखाना चाहते कि हम इन लोगों के सपोर्ट में, और ये जो कानून लेके ये बिल्कुल सही नहीं है। इस कानून के बारे में क्या कहेंगे आप? कानून बनता ही इसीलिए है तोड़ने के लिए। तो आपने देखा नाज़रीन कि यहाँ पर ये इन ख़वातीन या इन महिलाओं का जो हौसला है वो उस तरीके से पहुँच रहा है कि जहाँ पर सरकार को और सरकार के उन नुमाइंदों को भी सोचना पड़ेगा कि हम अगर अपने मुल्क के बाशिंदों को सही तरह से सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर सकते तो शायद इस कानून के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो क्या नाम है आप? नसरीन फातिमा। आप कहाँ से आई हैं? लखनऊ से। नहीं, लखनऊ से किस जगह से? लखनऊ निषादगंज। निषादगंज से, यानी बात हम यहाँ ये पहुँचाने वाले हैं कि निषादगंज की दूरी को क्रॉस करते हुए इस सर्दी के मौसम में आप यहाँ घंटा घर आई हुई हैं, तो क्या मकसद है? मकसद हमारा ये है कि मैंने देखा कल पांचवा रोज हमारी बहनें यहाँ संघर्ष कर रही हैं, तो हम लोग बाहर थे, जब मैं सुना वहाँ से भाग के आई। क्या हम कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री या यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि यहाँ पर किस चीज़ की लड़ाई हो रही है? जो लड़ाई हो रही है, जो मेरी माँ बहनें बेटियाँ जो आज यहाँ पर आई हैं सर्दी के रात में यहाँ रुक रही हैं, और वो अपनी आज़ादी, अपनी जो है तो ये कानून की लड़ाई मांग के लिए आई, तो हम लोग भी उनके साथ आए हैं। हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जो इस देश के हैं और हमारे इस स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो सुन रहे हैं हमारी बात को, अगर आप लोग पहुँचाते हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, हमारी माँ बहनें जो ये सब आई हैं, जो सड़क पर आज उतरी हुई हैं, 5 दिन हो गया है, अगर वो कानून वापस ले ले, नहीं लेते हैं ये संघर्ष बंद नहीं होगा। देखिए, एक और सवाल है बहुत हमसे, मेरे जहन में वो सवाल नहीं रहा था, प्रधानमंत्री जी और यहाँ के जो गृह मंत्री हैं या पूरी उनकी काबीना, उन्होंने एक बिल इससे पहले पास किया था ट्रिपल तलाक का, तो यकीनन ट्रिपल तलाक जो है वो मुसलमानों में होती है और आप सब मुसलमान हैं, तो आपको उन्होंने कहा कि बहनें हैं, मुस्लिम बहनें जो प्रताड़ित की जाती हैं, तो आज उस प्रताड़ना को इस सीए से कैसे जोड़ के देखती हैं? आज उन्होंने ये कहा है एनआरसी आज पहचान मांग रहे, जब 3 तलाक के लिए हमारी पहचान नहीं मांगी थी, मालूम था मुस्लिम था, तो आज ये पहचान क्यों मांग रहे हमसे? हम तो हिंदुस्तानी है ना, बस हम एक है, हमको बाहर तो जाना नहीं। हमारे पहली बात, मैं इनके तलाक का भी कानून को मैं बायकॉट करती हूँ। ये मुस्लिम अपना कानून लागू करता, जो हमारा मुस्लिम जो कानून लागू करेगा उस पर हम मानेंगे, मैं इनके किसी कानून को नहीं मानूंगी। और आज जो एनआरपी इन्होंने लगाया है, इसके खिलाफ हम लोग हैं और रहेंगे, जब तक ये अपना कानून वापस नहीं लेंगे, संघर्ष ऐसी हम सब बहने कर रहे हैं, करते रहेंगे जी। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर तमाम वो चीजें, यहाँ पर जो महिलाएं हैं, इनके जज्बे को सलाम करना चाहिए इस बिना पे कि उन्होंने इस सर्दी के मौसम में जिस तरीके से अपने पैगाम को पहुंचाने की कोशिश की है, उसमें एक खास बात ये थी कि अपने आप को इस मुल्क के बाशिंदा होने के साथ साथ इस मुल्क के तमाम कानून को मानना है, लेकिन ऐसा कोई कानून नाफिज न किया जाए जिससे इनके बाशिंदगी पर कोई हर्फ आए। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के तमाम और लोगों से भी हम गुफ्तगू करेंगे और बातचीत करते रहेंगे, ताकि ये प्रोग्राम आपको इसी तरीके से लिमना न्यूज़ के जरिए पहुँचाने की हम सआदत हासिल करते रहें।